जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है। इस वीडियो में हमारी चर्चा रहने वाली है कि सिंह राशि के जातकों पर अगस्त 2023 का जो महीना है वो कैसा रहने वाला है। यानी इस वीडियो के अंदर हम टॉपिक वाइज आपसे बात करेंगे कि इस महीने स्वास्थ्य कैसा है, एजुकेशन कैसी है, प्रोफेशनल लाइफ कैसी है, नौकरी, व्यापार, लाभ, तरक्की, यात्राएं, स्वास्थ्य, सम्मान, विवाह, वैवाहिक जीवन, सभी को लेकर हम बात करने वाले हैं। कौन सा ग्रह कब परिवर्तन कर रहा है, कब आपके जीवन में ग्रहों की स्थितियाँ अच्छी हैं, कब शुभ हैं, कब अशुभ हैं, कब आपको विशेष ध्यान देना है, और जरूरत पड़ने पर उपाय भी आपको बताए जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की कि सिंह राशि के लोगों के लिए अगस्त 2023 का जो महीना है वो कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य और सम्मान को लेकर। स्वास्थ्य सम्मान की जब हम बात करते हैं तो वो इसीलिए है कि जब तक आप हेल्थ के हिसाब से ठीक नहीं है तब तक आप जीवन में वेल्थ नहीं कमा सकते। यानी स्वास्थ्य ही धन है। जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा है वो जीवन में आगे बढ़ सकता है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर उसके जीवन में रुकावट नहीं आएगी। अब इस हेल्थ को देने वाला जो प्लैनेट होता है वो होता है आपकी ही राशि का मालिक सूर्य। सूर्य आत्मा का प्रतीक है, सूर्य ग्रहों का राजा है, सूर्य को अगर सिंह के हिसाब से देखें तो शेर भी जंगल का राजा है। वहीं सूर्य जैसे तत्व बहुत जरूरी हो जाते हैं क्योंकि सूर्य ब्रह्मांड में अपने भीतर इतना ज़्यादा आकर्षण रखता है कि सभी ग्रह उसकी तरफ खींचे हुए चले आते हैं। यानी सूर्य एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, खास तौर पे जब हम सम्मान की बात करते हैं। आपकी राशि के लिए अगर देखें तो राशि के लॉर्ड हैं सूर्य, जो कि 17 अगस्त तक आपकी राशि से 12th हाउस में जाएंगे। राशि का मालिक 12वें में जाए तो इसको कहते हैं गुणों का अतिव्यय, कि मेरे द्वारा किए गए एफर्ट्स खर्च हो रहे हैं लेकिन उस खर्च होने का मुझे इतना फायदा नहीं मिल रहा, या मैं जितना प्रोग्रेस जीवन में करना चाहता हूँ उतनी प्रोग्रेस मुझे कुल की नहीं मिल रही, या जितना मेरा एफर्ट्स है उतना एफर्ट्स मेरा कामयाब नहीं हो रहा। तो बहुत बार छोटे छोटे रोग, स्किन के रोग, आंखों के रोग, बालों के रोग, त्वचा के रोग भी इस दौरान परेशान कर देते हैं। 17 अगस्त तक की स्थिति आपके लिए कुछ टफ स्थितियों में दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही 17 अगस्त जीवन से निकलता है राशि का लॉर्ड राशि के अंदर आ जाएगा। यानी 17 अगस्त तक की स्थितियों में देखें तो जिस कामों में आप हाथ डालना चाह रहे हैं उन कामों के अंदर आपकी जो प्रगति है वो थोड़ी स्लो दिखाई देगी, एफर्ट्स ज़्यादा दिखाई देंगे। लेकिन जैसे ही 17 अगस्त जीवन से निकलेगा राशि का मालिक राशि में, स्वराशि का होकर अपनी ही राशि में चलेगा, यानी यह समय स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, सम्मान को बेहतर करेगा, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाएगा कि राशि का मालिक राशि में अब राजा अपने घर के अंदर है। और जब प्लेनेट घर के अंदर होता है वो जीवन में ज़्यादा बली होता है क्योंकि वो अपने घर में बैठ गया है, वो अब उसका पूरा काम पूरा ध्यान अपने अपने आप को जी आगे बढ़ाने में, अपने आप को संवारने में लगता है। यानी सूर्य 17 अगस्त के बाद अगर राशि के लॉर्ड होकर राशि में आते हैं तो ये स्वास्थ्य सम्मान के लिए बेहतर स्थिति है, एनर्जी के लिए अच्छा है, आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए अच्छा है। इस सूर्य के ऊपर आप देखेंगे तो शनि का प्रभाव भी है, बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि शनि जिसको लेबरी प्लैनेट कहा गया है वो सप्तमेश है। सप्तम भाव सिर्फ विवाह वैवाहिक जीवन ही नहीं होता है, सप्तम भाव 10वें से 10वां भी होता है, यानी कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से भी हम इसको देखते हैं। तो उस हिसाब से शनि भी यहाँ सपोर्टिव है, बृहस्पति की भी दृष्टि यहाँ पड़ेगी, यानी सूर्य के ऊपर शनि बृहस्पति का प्रभाव इसको और अधिक बली बनाता है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति हमें दिखाई दी। अब हम देखते हैं शिक्षा, प्रेम, संबंध, बुद्धि, निर्णय के हिसाब से ये समय कैसा है। देखिए जब तक व्यक्ति की बुद्धि ठीक नहीं है, कहते हैं जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति नाना, कि भाई अगर आपकी बुद्धि सद्बुद्धि की तरह काम कर रही है, अच्छे निर्णय ले रहे हो, तो आपकी शिक्षा, आपकी बुद्धि, आपके निर्णय सब बढ़िया हो जाते हैं। ये सब हम कहाँ से देखते हैं, इसके लिए एक तो देखते हैं हम कारक को। कारक कौन है? बुद्ध है शिक्षा का कारक, बृहस्पति है ज्ञान का कारक, विवेक का, समझदारी का कारक, सही निर्णय लेने का कारक, और पंचम भाव। अब पंचम भाव का स्वामी कौन है? कि पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति अपने से 9th में बैठा। यानी यह समय शिक्षा के लिए ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए ठीक है। जो शिक्षा आप कर रहे हैं, जो हायर एजुकेशन आपने स्टार्ट की है, वो आप जीवन में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी करते दिखाई देंगे, कहीं ना कहीं आप उसको बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। अब ये बृहस्पति आपका बैठा है यहाँ, यहाँ से बैठ के आपकी राशि को देखता है, यानी आपके द्वारा शिक्षा में किए गए प्रयास सफल होंगे। जैसा कि मैंने अभी अभी बताया सूर्य वहाँ पहुँच रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं एक बल दे रहे हैं। शिक्षा का कारक बुध भी सिंह राशि में ही चलेगा, जिसको बाद में सूर्य का
एक सहयोग मिलेगा जिसको हम कहेंगे कि सूर्य का बुध आदित्य योग बन गया। तो बृहस्पति यहाँ से बैठ के पंचम भाव को देख रहा है, शिक्षा खराब नहीं होगी, बुद्धि खराब नहीं होगी, निर्णय खराब नहीं होंगे, लेकिन जब तक वो राहु के साथ होता है तब तक वो कहता है कि भी गुरु राहु का योग आपको जीवन में जब भी प्रॉब्लम देगा वो आपके डिसीजंस को लेकर देगा, आपके निर्णय और आपके निर्णायक क्षमता को खराब करता है ऐसा ग्रह, तब वो जैसी प्रॉब्लम देता है। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है, अदरवाइज एजुकेशनली बहुत अच्छा समय है, प्रेम संबंधों के लिए स्थिति ठीक है, शिक्षा में प्राप्तियों के लिए ये ठीक है, निर्णय ठीक काम करेंगे, बुद्धि ठीक रहेगी, आप सही प्रकार से अपने जीवन में आगे बढ़ते दिखाई देंगे। तो वो एक शुभ स्थिति हमें यहाँ बृहस्पति से दिखाई दी है, बृहस्पति धीरे 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 करके राहु से दूर होते चले जा रहे हैं, तो वो एक शुभ स्थिति प्रदान करने की स्थिति हमें यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अब आइए देखते हैं कि आने वाले समय में आपकी नौकरी, व्यापार, लाभ, प्रमोशन का क्या हाल है। अगर हम कर्म की बात करें तो हम 10वां भाव देखते हैं, लाभ की बात करें तो 11वां भाव देखते हैं, और वहीं हम दूसरे घर में से भी धन देखते हैं तो वो धन वो है जहाँ पर आप पैसा इकट्ठा करते हैं। पैसा अगर आपको कमाई से आएगा तो नहीं आएगा, कर्म करने से पैसा नहीं आएगा, बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ेगी, आपकी वे ऑफ टॉकिंग अच्छी होनी चाहिए, आपके बुद्धि निर्णय करेक्ट होने चाहिए, आपका ज्ञान ठीक होना चाहिए। वहीं यही दशम भाव से कर्म, 11वें भाव से लाभ, दूसरे भाव से भाषा शैली और पंचम भाव से आपके बुद्धि निर्णय, सब चीज़ों को मिला के जीवन में काम होता तब जाके कुछ मिलता है। अब आप ये देखिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि दशम भाव जिसको हम कर्म स्थान कहते हैं, उस कर्म स्थान का मालिक 12वें घर में जाता है। दो तरीके से देखो इसे, पहला तरीका कर्म का मालिक व्यय स्थान में गया, पहले से कुछ ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ये प्लेनेट कुछ ज़्यादा मेहनत कराएगा, रिजल्ट देगा, ज़्यादा मेहनत करा के रिजल्ट देगा, यात्राएं करा के रिजल्ट देगा, कुछ इन्वेस्टमेंट करा के रिजल्ट देगा, यानी ये समय कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से इस प्रकार ठीक है। जो लोग जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उन्हें जरूर कहीं ना कहीं बाहर से जुड़ना पड़ेगा, यात्राएं करनी पड़ेंगी तब लाभ होगा। जॉब चेंज करना चाहते हो अप्लाई करो, जॉब चेंज हो जाएंगे, बाहर से जुड़ना चाहते हो अप्लाई करो जुड़ जाओगे, यानी कर्म क्षेत्र का मालिक कहीं ना कहीं मजबूती ले रहा है। यानी कर्म क्षेत्र के हिसाब से देखें तो शुक्र का 12वें घर में जाना शुभ है। वहीं आप ये देखिए कि धन देने वाले प्लैनेट, एक ही प्लैनेट दो तरीके के पैसा दे रहा है आपके लिए, बुध एकादश का मालिक भी है, दूसरे का मालिक भी है। वो शुरुआत में देखें तो पूरे महीने हमें दिखाई देता है सिंह राशि के अंदर, यानी दोहरा धन योग देने वाला बुध राशि के अंदर परफेक्ट है, जहां 18 अगस्त तक मंगल इसका सहयोग देंगे योग कारक होकर। अब 18 अगस्त के बाद अगर मंगल चले जाएंगे तो सूर्य वहां से यहां आ जाएंगे, यानी सूर्य का फिर सहयोग बुध को, यानी पैसे के हिसाब से देखें तो बहुत ही बढ़िया समय है कि जितना ज़्यादा आपका एफर्ट, जितना ज़्यादा आपकी मेहनत और जितने ज़्यादा आप जीवन में संघर्ष करेंगे उतना धन के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि धन योग तो बन गया लेकिन कर्म के बिना धन योग नहीं बनता। तो पहला कर्म है वो 10th हाउस से हो रहा है, दूसरा आपके जीवन में आगे बढ़ने की स्थितियां हैं वो सब धन से मिल रही हैं। तो बुध प्रबल हुआ, योग कारक मंगल प्रबल हुआ, और आप देखिएगा कि 18 अगस्त के बाद मंगल का राशि परिवर्तन होगा। ये बात बहुत हिसाब से आप समझिए कि देखिए बृहस्पति यहां से बैठकर यहां देखेगा, तो वहीं 18 अगस्त के बाद मंगल यहां से बैठकर पंचम भाव और बृहस्पति दोनों पर भी दृष्टि डालेगा, यहां पर चौथी दृष्टि, यहां पर आठवीं दृष्टि, यानी ये योग कारक मंगल का बृहस्पति से संबंध बना। पहले बृहस्पति ने संबंध बनाया देखकर, फिर बाद में मंगल ने संबंध बनाया देखकर, यानी योग कारक ग्रह का केंद्र त्रिकोणों से संबंध हो तो इसको हम लक्ष्मी योग, इसको हम राजयोग या धन योग कहते हैं। यानी प्रोफेशनली ये समय बहुत बेहतर है, जो आपके जीवन में अच्छी तरक्की दे सकता है, अच्छी नौकरी दे सकता है, अच्छा व्यापार चला सकता है, कार्य क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाकर तरक्की देने में सक्षम हो सकता है। तो बहुत अच्छा समय हम इसको कह सकते हैं। अब देखते हैं विवाह और वैवाहिक जीवन पर इस महीने क्या असर पड़ने वाला है, कि जब हम देखते हैं कि 7वें घर के अंदर विवाह होता है, सप्तम का मालिक सप्तम में, अब ये उन लोगों के लिए है कि भाई मेरा सप्तम का मालिक सप्तम में चल रहा है, यानी शनि ने यहाँ ठाना है आपको जीवन साथी मिलेगा, कि शनि अगर यहाँ आ गया तो ये जीवन साथी को देगा, जीवन साथी का सुख देगा, साथ ही साथ जीवन में कितनी भी प्रॉब्लम जीवन साथी के साथ चल रही हो लेकिन कभी भी आपके जीवन के अंदर जीवन साथी से
अलगाव नहीं होने देगा ये ग्रह, क्योंकि वो अपने घर में बैठा है। अब विवाह कारक ग्रह शुक्र है, शुक्र बैठा 12वें घर में, 12वें घर में शुक्र लग्जरी दे सकता है, रति सुख दे सकता है, स्त्री सुख या पुरुष सुख दे सकता है, लेकिन विवाह नहीं करा सकता। यानी इस महीने अगर हम देखें तो विवाह से संबंधित संबंध बनते नहीं दिखाई दे रहे। शुक्र ग्रह 12वें घर में रहेगा और 12वें घर में बैठकर वो विवाह के सुख नहीं दे पाएगा। यानी वैवाहिक संबंधों को लेकर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब बात होती है कि मेरा रिश्ता हो जाएगा क्या, मेरी शादी हो जाएगी क्या, रिश्ता बन जाएगा क्या, तो वो इस महीने हमें स्ट्रांगली नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये था मेरा आज का विषय कि सिंह राशि के जातकों पर अगस्त के महीने में कौन कौन सी चीज़ का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सब मैंने आपको इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही होगी। जय श्री राम।